Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स का चैप्टर सॉल्व करने से पहले आपने कुछ रूल्स माइंड करने होंगे। ये हैं, देखो, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल प्लस। और यही रूल ब्रैकेट के साथ होते हैं, जैसे प्लस ब्रैकेट प्लस इज इक्वल प्लस, प्लस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल माइनस, माइनस ब्रैकेट प्लस इज इक्वल माइनस, एंड माइनस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल प्लस। ये रूल आप अच्छे से लर्न कर लें। इस आने वाली एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में ये वाले रूल यूज होंगे। क्वेश्चन 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज पार्ट ए सम इज -7। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने वन पेयर ऑफ इंटीजर्स राइट डाउन करना है। उन दोनों इंटीजर्स का सम -7 होना चाहिए। फर्स्ट इंटीजर हमने -6 ले लिया और सेकेंड इंटीजर -1। हम इनको सॉल्व करें तो आप ब्रैकेट ओपन जानते ही हैं, प्लस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल माइनस होगा। इस तरह से ये हो गया -6 -1, -6 एंड -1, ये हो गए -7। स्टूडेंट्स, ये जो हमने इंटीजर्स लिए हैं -6 और -1, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही वाले इंटीजर्स लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं -5 -2 ले लें, -4 -3 ले लें, और अदर कुछ भी ले सकते हैं। बस माइंड ये करना है कि उनका सम -7 होना चाहिए। -6 एंड -1, ये हुए -7। पार्ट बी, इसमें बोला गया है डिफरेंस इज -10। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपने टू इंटीजर्स लेने हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर -10 आना चाहिए। हम यहाँ पर टू इंटीजर्स लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर -15 एंड सेकेंड इंटीजर -5। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इस तरह से ये हो गया -15 -5। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, -(-) इज इक्वल प्लस हो गया। फाइनली ये हुआ -15 + 5। आप ये भी जानते हैं कि डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। 15 से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर 10 आएगा और सिंबल आएगा ये माइनस वाला। पार्ट सी, सम इज 0। हम यहाँ टू इंटीजर्स लेते हैं, एक +7 ले लेते हैं, एक -7। इनका सम करते हैं, ये हो गया 7 + (-7). अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +(-) इज इक्वल माइनस हो जाता है, तो ये हो गया 7 - 7। आप 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो गया 0। क्वेश्चन 2, पार्ट ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि आप वन पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यूज करें जिनका डिफरेंस 8 होना चाहिए। हम यहाँ पर टू इंटीजर्स, फर्स्ट -6 और सेकेंड -14 लेते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं, तो ये हो गया -6 - (-14). अब ब्रैकेट ओपन करें तो देखो ये -(-) = हो गया। इस तरह से ये हो गया -6 + 14। अब आप 14 से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हो गया 8। यहाँ नोट कर दें 8। पार्ट बी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर यूज करें जिनका सम -5 होना चाहिए। हम यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर -10 ले लेते हैं और सेकेंड इंटीजर 5 ले लेते हैं। हमें इनका सम करना है तो ये हो गए -10 + 5। आप जानते हैं डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। आप 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा 5 और साइन आएगा ये माइनस वाला। इस तरह से इनका आंसर हो गया -5। पार्ट सी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है आप एक नेगेटिव इंटीजर
और एक पॉजिटिव इंटीजर्स यूज करें जिनका डिफरेंस -3 होना चाहिए। इसे सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट इंटीजर -10 ले लेते हैं और सेकंड इंटीजर 7 यूज करते हैं। इसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये हो गया -10 माइनस ब्रैकेट -7। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, आप जानते हैं ना माइनस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल प्लस हो जाता है। तो ये हो गया -10 प्लस 7। अब आप 10 से 7 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर हो गया 3 और साइन आएगा ये माइनस वाला, यहाँ नोट कर दें -3। क्वेश्चन 3। इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, विच टीम स्कोर मोर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि टीम ए और बी 3 राउंड लेती हैं। टीम ए का स्कोर है -40, 10 एंड 0 और टीम बी का स्कोर है 10, 0 एंड -40। अब आपने बताना है विच टीम स्कोर मोर, किस टीम का स्कोर ज्यादा है। कैन वी से वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, हमको यहाँ गिवन है टीम ए स्कोर इज इक्वल -40, 10 एंड 0। टोटल स्कोर ऑब्टेन बाई टीम ए -40 प्लस 10 प्लस 0, इन्हें हम ऐड करें तो -40 प्लस 10 इज इक्वल -30 हो गया। और -30 में 0 को ऐड करेंगे तो -30 ही रहेगा। स्कोर ऑफ टीम बी इज इक्वल 10, 0 एंड -40। टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय टीम बी इज इक्वल 10 प्लस 0 प्लस -40। ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया 10 प्लस 0 -40। 10 और -40 ये हो जाएंगे -30। स्टूडेंट्स देखो, टीम ए का स्कोर भी -30 है और टीम बी का भी स्कोर -30 ही है। मीन्स बोथ टीम का इक्वल स्कोर है, यहाँ नोट कर दें। द स्कोर ऑफ बोथ टीम ए एंड बी स्कोर सेम। यस, वी कैन सी दैट वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्वेश्चन 4। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। आपने ब्लैंक प्लेस को फिल करना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल -8 प्लस ब्लैंक। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना a+b इज इक्वल b+a। मीन्स देखो, यहाँ पर -5 है और इधर -8 है, तो हम यहाँ -8 ले लें और यहाँ ब्लैंक है, ये -5 है तो ये -5 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया -5 प्लस ब्रैकेट -8 इज इक्वल -8 प्लस ब्रैकेट -5। पार्ट सेकेंड ये है -53 प्लस -53। स्टूडेंट्स देखो, ये -53 है, इसमें हम क्या ऐड करें जो आंसर -53 ही रहे। आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें चेंजेस तो आएगा। केवल 0 एक ऐसा नंबर है जिसे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर चेंज नहीं होता, इसीलिए आप यहाँ पर 0 यूज करेंगे। ये हो गया -53 प्लस 0 इज इक्वल -53। पार्ट थर्ड ये है 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स देखो, आप थिंकिंग करो, 17 में क्या ऐड करें जो 0 हो जाए, वो तो ओनली -17 ही हो सकता है, इसीलिए यहाँ नोट करें -17। पार्ट फोर ये है 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल ब्लैंक प्लस -12 प्लस -7। स्टूडेंट्स इधर 13 है और -12 है, इधर -12 है और -7 है, तो इस प्लेस पे आ गया -7 और इधर 13 नहीं है तो यहाँ पे आ गया 13। नेक्स्ट ये है 4 प्लस ब्रैकेट ब्लैंक प्लस 3। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ 15 है और इधर नहीं है 15, आप यहाँ 15 यूज कर लें
और देखो यहाँ माइनस 4 है, तो यहाँ माइनस 4 हो गया और यहाँ प्लस 3 हो गया।